नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देश में कोरोना के बढ़ते मामले रोज ही आपको चौंका रहे होंगे। ये खबर उन लोगों के लिए है जो इस वक्त लापरवाह बनकर सड़कों पर घूम रहे हैं। आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है और कोरोना के आज जो मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में वो 2.5 लाख के आसपास के मामले, यानी कि 2,48,000 नए कोरोना के मामले आए हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है आपके लिए। आपको बता दें, देश में इस वक्त 2.5 लाख मामले नए आए हैं 24 घंटे में, जो कोरोना के नए मामले हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यहाँ पर तमाम लापरवाहियां देखते हुए चुनाव आयोग ने भी घरों से ही लोगों को जाकर कैंपेन करने की बात कही है, यानी कि राजनीतिक पार्टियों से कहा है कि आप घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर कैंपेन करें, जिससे रैलियों में भीड़ इकट्ठी ना हो। कोरोना की तीसरी लहर अब डराने वाली रफ्तार पकड़ चुकी है। 2.5 लाख से ज्यादा जो मामले हैं ये 24 घंटे में, आपको बता दें कल यानी कि बुधवार को 2 लाख से कम मामले थे और आज जो मामले आए हैं 24 घंटे में वो 2.5 लाख के आसपास मामले हैं। तो चौंकाने वाली खबर ये है कि ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना के भी मामले बढ़ रहे हैं, जो देश में तीसरी लहर आने की दस्तक तो दे ही चुके हैं, मगर दूसरी लहर में भी ऐसे ही कुछ देखा गया था कि धीरे धीरे केसेस बढ़े थे और अचानक से विस्फोट हो गया था, कोरोना विस्फोट हो गया था। तो जो लोग लापरवाह बनकर घूम रहे हैं उनसे कंट्री साइड भी अपील करता है कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। अब तक देश में 11 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं, तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। ओमिक्रॉन के भी 5,000 से ज्यादा मामले देश में अब तक हो चुके हैं। कहां एक मामला था, दो मामले थे और अब ये मामले 5,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की बात कही। आज शाम 4:30 बजे पीएम मोदी की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है, जिसमें वो कुछ अहम फैसले ले सकते हैं और चर्चा होगी कि देश में और राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को कैसे रोका जाएगा, लोगों को कैसे सचेत किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि आज शाम 4:30 बजे जो मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक है, उसमें वो क्या अहम फैसले लेते हैं। और आपको बता दें, 2020 में भी जब कोरोना के मामले बढ़े थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। आपको बता दें, देश में दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिले हैं। अब देखना ये होगा कि आज शाम 4:30 बजे मोदी जी, यानी कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं और राज्यों को क्या नई गाइडलाइन मिलती है, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उनको रोका जा सके। अगली अपडेट के लिए फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कंटेंट साइड न्यूज। नमस्कार।